साल बाद नहीं मान रहे, थोड़ी क्या बात है? मेरे बादशाह ने हाथ चाहे बिरादा मन कुन तो मौला हो फाजा री मौला, एक किसी होर नहीं आख्या। अगर सरकार किसी होर बाजू चाहते असं उन्होंने मौला मन लें। जाए जे ए अंदर की लड़ाई जी अंदर अंदर का बोग ये सिर्फ अमीर उल मोमिन बादशाह है। गदीर के बाद गदीर सुनाओ, गदीर के ऐलान तो बाद तीन दिन तक अल्लाह की कोई इबादत नहीं हुई सिवाए अमीर उल मोमिन के हाथ से बैठते। बाबू जी मेहरबानी माली थोड़े साहब सामने लगे गदीर का खुतबा कभी पढ़ो तुम्हें पता लगे गर्मी कैसी सी उत्थे। जरा अपने महबूब न ज़्यादा नमाज पढ़ने तो मना कर रहे ना, इतना ना खलो तेरे पैरों से वर्म आने। मैं नौकर बाबा जी मालिक पाक थोड़ा साहब सामने रखे। एक साहब भी टुरदा टुरदा आया कि सरकार नमाज का वेला नहीं आ रहा। बादशाह कहा चुप कर, नमाज तो हुन शुरू होने लगी। अमीर उल मोमिन की विलायत तीन दिन तक कोई इबादत नहीं हुई सिवाए अमीर उल मोमिन के हाथ से बैठ या कहने सलामत रहे। तीसरे दिन अल्लाह की कुली रहमत टुरदी टुरदी आई वजहुल्ला के सामने। वजहुल्ला ने उठ के महबूबे इलाही का इस्तकबाल किया। भिरा ने भिरा ने सीने ने लाया। ये जुमला मैं बुजुर्गों वास्ते पढ़े जिन्हें कोई दुआ लवा भिरा भिरा के सीने लगे जी अन वाली मनूर वाहिद हुए दुनिया में पता नहीं चले मुहम्मद कौन है अली कौन है। अखा तो बोसा दिता रहमत उल्लालमीन देख के फरमाया या अली मेरे दिल चंदा मैं तुम्हें गदीर सुनावा। सरकार अगर हाथ जोड़ के बादशाह बिस्मिल्लाह जिम्मे थोड़ा दिल है अल्लाह की कुली रहमत मुस्कुरा के फरमा रहे तेरी धड़कनों से है अब मेरा ये इस्लाम ये अजान है अली तेरे नाम ये अजान है अली तेरे नाम तेरी धड़कनों से है अब मेरा ये इस्लाम ये अजान है ये अजान है तेरा। जब मेराज की रात में हाथ दिया तेरे हाथ में जब मेराज की रात में हाथ दिया तेरे हाथ में जिस लहजे में वहदत ने मुझसे किया कलाम वो जुबान बादशाह दी नलैन दी किस्मत या अली या अली लो कोई मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतो बिल अफजल ए झोली चा कह रहे हैं कलमा पढ़ के कसम खा रहे हैं बुजुर्ग तो दुआ दे ही रहे हैं सारा पंडाल में उन्होंने दाद दे तुम जिस गलते चेहरे ते रौनक लैके दाद थी ना बादशाह तुम्हें सवारी नसीब करे अंदरों रूह दुआ तुहाडे से मेरा रिश्ता ही उदनाले जिद्दे वास्ते अली वाजिब है। मैनू चंगा भी उही लगता है जे अली सोचता है किसी जगह पर मैं उन्होंने हाथ नहीं मिला मेरी मजबूरी मेरे को बार बार गुस्ले मसे मैयत नहीं होंगे। फिर थोड़े पढ़िए आ गए नहीं जी और लोग आ गए जी फिर तुम सुनावा अल्लाह की कुली रहमत मुस्कराइए। एक बार अपने आप को गदीर से लैके जा मालिक तुम इस दौर च ही दिखावे गदीर से अल्लाह मियां आपका फोन आई फोन 14 मैक्स प्रो कर दे इतना महंगा हो आप घर से ही ना लेके निकलो इसका मतलब इसको जेब में डाल लें मेहरबानी शुक्रिया आपको कह रहा हूँ सर मेहरबानी। इन्होंने क्या बाकी भी समझ जाना जी शेर सुनना जी रसूल मुस्कुरा के समझना या अली के पास देखे माशाल्लाह ऐनुल्ला तू है मेरे लिए बिस्मिल्लाह तू है जहान है
फड़ी क्या बात है जियो मालिक सलामत रखे जी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह मोहम्मद अली मोहम्मद वाजिल फरज अली मोहम्मद। अज जितने लाइव वाले कैमरे वाले भरा थोड़े के फिर अपनी लाइव न चलाना बस मेरी बाकी सारे चलाना बंद कर देना मेहरबानी थोड़ी मेहरबानी थोड़े ईमान के उत्ते थोड़े ईमान से है हूँ अगे चूंकि मर के तो मूँ अली नहीं विखाना ना हूँ बंदा ईमान वाला होएगा तो ईमान ना कर लेगा मैं इस तरह मिन्नत ही कर लेना अगर कई नहीं मानते तो फिर चलो उन्होंने फिर आप ही हो जाती जी। एक होर सिर तुम सुनावा जी बादशाह गरमा ने मुझ पे वही की आवाज भी तू है उम्मत की तो नमाज भी तू है बेशक वाह उन्हें गल बड़ी सोहनी की पता नहीं किसी ने समझ आई कि नहीं उन्हें कि अली का मुनकर खुदा का वैरी शैतान बनता है यानी कि जिन्हें भी अली ने सोचना ने सब शैतान के मुंडे ने वाह क्या बात है चलो अच्छा जी चलो किसी पास जी सलवात वाले मौजूद ने तो लानत वाले भी तो होने चाहिए और नाल नाल सफर करते हैं एक सलवात सर उची आवाज ना प्रोफेसर साईं जाते हैं लंबा नहीं तबरकन लेकिन सिर्फ एक तरह मिसरा तुम सुना दें वह एक हुक्म है अगर थोड़ी इजाजत हो सारे दी हजे और तरह मिसरा भी मेरे नाना जान आशिक हुसैन बी ए साहब का मौला यकीनन बादशाह की बारगाह नौकरी दे रहे हो सन फिर शहीद मैंबर मेरे मामू जान नवीद आशिक बी ए साहब और फिर उन्हों का बेटा अमार आशिक बी ए बड़ी पजीराई उन्होंने मिल रही है और थोड़े जैसे जे बादशाह की विलायत के कायम ने वो दुआ भी बड़ी करने वो अस दुआ भी करना मालिक उसे बख्त बुलंद करे अपने बाबे जैसे बख्त बे बाबा जी एक सीधा अपने बुजुर्गों सिर्फ तरह मिसरा सुना के थोड़े को दुआ लगा हो ही जाता है क्या बात बन जा तू ही बन जा हुबदार मौला अली दा बन जा तू ही बन जा परेशान हो गए तुसी तो बने हुए हो थानू नहीं कह रहा मैं तो मशरा पिया दे रहा बन जा तू ही बन जा अच्छा जेने बने हो ऐ नारे मारो पतल गेली वाले बैठे नारे हाय शेर सुना जी पुराना बुजुर्गों से पढ़े मालिक सलामत रखे जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुभान अल्लाह जी असराब अब्दही लैल मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा पाक औजाद जी लग गई अपने बंदे नू रात दे टाइम ते सैर कराने वास्ते मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा ताई बाबा जी बेटी धी शरीफ दी जवान हो जाए तो परेशान हो जाते
धी का रिश्ता तलाश कर देने, लेकिन कोई हैवन ने डिटी तो धी तो देना नहीं किसी, खानदान वे दिन घर वे दिन, खानदान वे दिन घर वे दिन शेर पेश करने तवज्जो करनी है। फरिशा तो अगली मैं मेहरबानी शुक्रिया। चलो भाई दा हुक्म से मैं अगली मैं सुना देंगे, मैं मान लीजिए तबरकन साहब ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। साईं मैं बिस्मिल्लाह। अच्छा फिर अगर तुहाड़ी हुक्म की तामील करें साईं, वो मातमी विराज है, मैं वैसे भी जाकर नहीं हाँ, बादशाह मैं सिर्फ इन्हों की मातमी जुतियाँ सीधी करके सिदार हाँ, तो अगर तुहाड़ी करा फिर वो भी करनी पै जाएगी, तो मैं इस वास्ते तुहाड़े को। अच्छा जी तो अच्छा हर किसी की निस्बत फिर हुसैन के नाल है, जिसकी निस्बत हुसैन के नाल है ना वो इज्जतदार है, चाहे इज्जतदार है मातमी ही है सैयद है, नहीं तो अच्कल तुम जानते हो मैं बादशाह नौकर भी फिर पढ़ देना जी। अच्छा तुहाड़ी मुहब्बत वास्ते इन्हों की वास्ते उन्हें भी गल की अली के अलावा खुदा तक पहुँचना नमाजों की हिम्मत नहीं, वो एक सीधा कह रहा तुम कह रहे दोबारा पढ़ दो, तो मैं एक ऐसी हस्ती था तुम्हें दो मिला के एक शेर पढ़ देना बादशाह, वो ऐसे हस्ती गुजरी है तुम तइद करोगे, बल्कि बुजुर्ग जानते हैं सुल्तान जाकिरीन क्या गया उन्होंने किबला अहमद बशबट्टी साहब बिस्मिल्लाह दसवाओ बाबू जी, मैं देखा और पता किया उन्होंने ला के जिस वे व्डा सैलाब आया से सारा कुछ रुड़ के लै गया, सिर्फ किबला की कच्ची कबर से अलम लगा रहा है, और मैं जाके तस्दीक की थी। मैं सरकार परेशान हो गया, लोगों पूछे सरकार जाकर लफ्ज जाकर इतना बड़ा होंगे, सैयद भी ने वह भी कह रहे हैं सुल्तान जाकरीन, अज के दौर से पुराने भी सारे कही जा, वो कि ऐसा काम है जिन्हें उन्होंने सुल्तान बना गया। फिर तहकीक ना बुजुर्गों को पता लगा उन्होंने उस दौर च अमीर उल मोमिनीन की विलायत पढ़ी है, जिस वे हजे फितना उठे नहीं कि इतने पढ़ना है तो इतने नहीं पढ़ना है। और किसी तो भाजन ऐसा कि बंदे का शजरा उसको पता लगता है कि मेरा दादा बू उनके बू उनके बू उनके बू कौन है, तुहाड़ी इजाजत हो सैयद का भी पूरा हो जाएगा, महात्मी का भी इजाजत पढ़ दीजिए सारे दी है, अजय बिल्कुल नहीं बोल सके उन्होंने भी हजे ओ हलाली सगाम दागदार नहीं दिले बिच मालिक तुम सलामत रखे। अच्छा न्याज हूँ शुरू हुई बन दी, मैं सारे कसीदे सारे दोबारा पढ़ दें, लेकिन सिर्फ नौकरी है कि जे अगे बंदे कहते फिर जान के जाकर नहीं आए, वो किसी की वजह तो साड़ी भी हो जाती है। मालिक पाक तुम सलामत रखे, सिवाय कमे हुसैन दे कोई कम ना दे, जिथे पैर रखो उत्थे खैर होवे। अमीर उल मोमिनीन की विलायत दे सदका जितनी अली की विलायत लाजमी सी उतना ही मुसलमाना अली दियां धीआं नूं मारिया जा रहा है। तबरकन एक बैंड ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। इमाम हुसैन बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी जितने काम किए बहन के मशवरे तो बगैर नहीं किए। एक बंद तैयारी का पढ़ना चाह रहे हैं, मालिक सिवाय कमे हुसैन दे कोई कम ना दे। भजन बंदे सुनते ने घर छोड़ना सौखा होंदा, वतन छोड़ना ये जिदे उत्ते आवे वो ही महसूस कर सकता है कि वतन छड़ना ये कितना कु दुख होगा। कीता मशवरा वसदे कीता मशवरा वसते दौर दे विच ओ घर बह के भैन
बिराए इस्लाम ते कितना खर्चा होना है मैं तू दसदा चंदा कर्बला के वाकई में रंग दोनों ने भरा इत्तला शबीर ने की तो इंतहा ज़ैनब ने की। ये थे ज़ाकिर खुश बयान कामरान अब्बासवी फ़ज़ाइल साहब बयान फरमा रहे थे बराए ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावात। मोमिनीन किराम जैसा कि आप जानते हैं ये महीना ज़िलकअद का मंसूब है, आठवें मौला इमाम अली रज़ा की विलादत और शहादत का महीना है और हम वक्त के इमाम इमाम ज़माना के हजूर आठवें मौला इमाम अली रज़ा का गुशा पेश करते हैं। आठवें मौला इमाम अली रज़ा की अजमत पे बुलंदतर सलावात। तुम्हार हम्द व सना खालिक वज़ल के लिए सकून झील को देता है जो गवल के लिए, मैं उनके नाम से करता हूँ खुदाए कलाम के जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हज़रत मुस्तफ़ा अली खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावात। एक कदीमी सलाना मजलिस-ए-अज़ा 15 ज़िलहज इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला सलातपुरा नज़ आलम चौक में मजलिस-ए-अज़ा है। मजलिस-ए-क़िबला अली नासर हुसैनी ज़ाकिर इकबाल शाह अली रज़ा कोकर हबीब ज़ाहिर दीगला अब्बास काज़मी और इनके अलावा बड़ के नाम ज़ाकिर मजलिस खिताब फरमाएंगे। तारीख याद है 15 ज़िलहज इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला सलातपुरा नज़ आलम चौक में मजलिस-ए-अज़ा में शिरकत फरमा के सवाब दरए हासिल करें। अब बिला तख़ीर मैं दावत खिताब दूँगा बैरुल मसाइल मुसव्वर गम ज़ाकिर सैयद अली इमरान बुखारी और नकवी जो के गाँव चौड़ा के पानी की हैसियत है बारगाह हुसैनिया में फ़ज़ाइल साहब बयान फरमाएंगे। ज़ाकिर सैयद अली इमरान ऑफ चौड़ा फ़ज़ाइल साहब बयान फरमाएंगे। बराए ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावात।